अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फलाफल बनाने की रेसिपी, जो कि मिडिल ईस्ट की बहुत ही पॉपुलर डिश है। इस डिश का नाम जितना सुनने में डिफरेंट लगता है, इसे बनाना उतना ही आसान है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हम लेंगे काबुली चना, 200 ग्राम लेंगे इसे, और इसे ओवरनाइट सोक कर लेंगे। अगर आपको जल्दी है तो आप इसे 5 से 6 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो के रखें। इसके बाद हम एक मिक्सर ग्राइंडर लेंगे और इसमें चने को ऐड करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें 4 से 5 हरी मिर्च, 10 से 12 लहसुन की कलियां और हरा धनिया, इन सभी चीज़ों को हम इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 नींबू का रस इसमें ऐड करेंगे। नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे मैं 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ, और इसके साथ ही 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे। अब हम इसका एक पेस्ट रेडी करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इसे हमें बारीक बिल्कुल भी नहीं पीसना है, इसे हम दरदरा ही रखेंगे। थोड़ा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। तो ये देखिए, पेस्ट हमने बना लिया है, और जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि ये बिल्कुल दरदरा है। तो अब हम इसकी बाइंडिंग के लिए इसमें 1 कप बेसन ऐड करेंगे। आप चाहें तो बेसन की जगह इसमें मैदा ऐड कर सकते हैं, या फिर आप इसमें ब्रेड क्रम्ब ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो आप इसमें इनो का भी यूज़ कर सकते हैं। इसे मिक्स करेंगे, अच्छे से हमें इसे मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए, बैटर हमारा रेडी हो गया है। अब हम अपने हाथों में ऑयल अप्लाई करेंगे और इसका थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके इसे बॉल का शेप देंगे। आप अपनी पसंद के हिसाब से आप इसे कोई सा भी शेप दे सकते हैं। अगर आपको टिक्की का शेप पसंद है तो आप इसे टिक्की का शेप भी दे सकते हैं। तो ये देखिए, बॉल्स रेडी हो गए हैं। अब सारे बॉल्स को हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे सारे बॉल्स रेडी हो गए हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे ऑयल गरम हो गया है। ऑयल को हम पहले हाई फ्लेम पे गरम कर लेंगे, उसके बाद हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और लो फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे। तो धीरे धीरे करके सभी बॉल्स को हम इसमें ऐड करेंगे और गैस का फ्लेम लो रखेंगे ताकि ये अंदर से अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पे 5 से 7 मिनट हो चुके हैं इसे फ्राई होते हुए, और ये देखिए, इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसकी साइड्स को चेंज करेंगे। तो ये देखिए, ये दोनों साइड से फ्राई हो चुके हैं। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे सारे बॉल्स अच्छे से फ्राई हो गए हैं। बस अब हम इसे ज़्यादा डार्क नहीं करना है, अब हम इसे निकाल लेंगे। तो ये लीजिए, हमारे गर्मा गर्म फलाफल बन के रेडी हैं। तो आइए अब मैं आपको इसे अंदर से भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए, गर्मा गर्म मज़ेदार सा फलाफल बन के रेडी है। और आपने देखा कितना इजी हमने इसे बनाया और कितने कम इंग्रेडिएंट से हमने इसे बनाया। आई होप रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो इसे लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें, और अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को 1 टाइम सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।